तो गाइस अगर आपको इंस्टाग्राम पे कोई भी रील पसंद आ जाती है और आप उस रील को अपनी रील बनाना चाहते हैं तो किस तरह से बना सकते हैं, तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टाग्राम पे कई सारी रील्स आपको देखने को मिल रही हैं। तो मान के चलिए अगर आपको कोई भी रील पसंद आ जाती है तो उसे आप अपनी रील किस तरह से बना सकते हैं। तो आपको सबसे पहले आपको उस रील को सेलेक्ट करना होगा जिससे आप अपनी बनाना चाहते हैं। और गाइस एक डाउट मैं आपका क्लियर कर दूं, अगर आपको लग रहा है कि इससे कॉपीराइट आ जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं है, इससे कॉपीराइट कुछ भी नहीं आएगा, आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अगर मैं जो आपको ट्रिक बता रहा हूँ उसे अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई भी कॉपीराइट देखने को नहीं मिलेगी और आप किसी भी रील को जो अपनी रील बना सकते हैं। तो सबसे पहले ना आपको जो काम करना है वो आपको क्या करना है, आपको अपनी उस रील को सेलेक्ट कर लेना है जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले ना मैं इस रील को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको नीचे थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिस रील को आप अपनी रील बनाना चाहते हैं उस पर आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको रीमेक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो गाइस किसी रील पे आपको रीमेक्स का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा होगा तो इसका मतलब है कि आप उस रील को अपनी रील नहीं बना सकते। तो चलिए मैं इस रील को देखता हूँ, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो गाइस इसको हम अपनी रील बना सकते हैं। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है, जो भी आपको पसंद आती है उसे आपको सेलेक्ट करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, रीमेक्स पे क्लिक करना है। जैसे आप रीमेक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, आपको ट्राई पे क्लिक करना है और कुछ इस टाइप से आपको लोडिंग रील दिखेगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना है और यहाँ पे आपको गो एट पे क्लिक करना है। जैसे आप गो एट पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसके बाद आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। चलिए इसका मैं थोड़ा साउंड बंद कर देता हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें एक एड देखने को मिल रहा है। इसका यहाँ पे देख सकते हैं एड क्लिप स्टिकर और टेक्स्ट दिस रील शेयरिंग। तो गाइस अगर आपको इसको अपना रील बनाना है तो यहाँ पे ना आपको कोई ना कोई स्टिकर ऐड करना होगा या फिर कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करना होगा। चलिए मैं एक टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ, हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट जो है ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने टेक्स्ट डाल दिया, डन पे हम क्लिक करेंगे और इस टेक्स्ट को हम कहीं पे भी साइड में रख देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और जैसे हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे ओके पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको हैशटैग जो भी लगाना है या फिर आप कोई भी कैप्शन डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। तो अभी मैं सिर्फ अपना नाम डाल दे रहा हूँ, आपको जो कुछ भी डालना है वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको शेयर पे क्लिक करना है। जैसे आप शेयर पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं शेयरिंग टू रील, और इस ट्रिक से ना आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, कॉपीराइट की भी कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये इंस्टाग्राम का फीचर है और जो भी इंस्टाग्राम के फीचर्स में चीज़ें हैं उनका यूज़ करके हम अपनी इस रील को अपनी बना रहे हैं। तो इसमें हम किसी भी तरह का कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल ऑफिशियल ट्रिक है इंस्टाग्राम की तरफ से, तो इसमें हमें कोई भी कॉपीराइट नहीं मिलेगा। तो ये फाइनली होने वाली है तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं अपलोड होने का। तो गाइस देख सकते हैं ये सक्सेसफुली होने ही वाली है। तो चलिए अभी हम इसे कट करते हैं और हम अपनी प्रोफाइल पे आते हैं, रील वाले सेक्शन में आपको दिखाते हैं। यहाँ पे कोई भी जो है वीडियो नहीं है और मतलब मेरी और भी वीडियो डली हुई है, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरी कुछ रील डली हुई है, अभी यहीं पर वो वीडियो दिख जाएगी। तो देख लेते हैं, फिनिश अप हो चुका है ऊपर और ये अपलोड हो चुकी है। तो चलिए हम आते हैं अपने रील वाले सेक्शन में और ये किस सेक्शन में जाएगा, वीडियो वाले में। तो एक बार ना हम जाएंगे, थोड़ा वेट करेंगे तो गाइस हम जाएंगे रील वाले सेक्शन में। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे ये रील आ चुकी है। अब गाइस ये जो रील है वो आपकी रील बन चुकी है। तो गाइस किस तरह इस तरह से जो आप किसी और की रील को अपनी रील बना सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।